गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरब्द सत्तार खान बीइंग नेबरली 1.1 11th क्लास इंग्लिश। इसका ये तीसरा वीडियो है, आज इसे हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। लेट्स बिगिन। डू यू लाइक योर स्कूल? आज द बॉय चेंजिंग द सब्जेक्ट आफ्टर लिटिल पॉज ड्यूरिंग विच ही स्टेड एट द फायर एंड जो लुकड अबाउट हर वेल प्लीज्ड। उसके बाद लड़के ने, लॉरी ने पूछा, क्या तुम्हें स्कूल पसंद है? उसने अपने जो सब्जेक्ट था उससे चेंज करने की कोशिश की और उससे अचानक पूछ लिया। और ड्यूरिंग विच ही स्टेड एट द फायर एंड जो लुकड अबाउट हर वेल प्लीज्ड, वो आगे की तरफ देख रहा था। डोंट गो टू स्कूल, आई एम अ बिजनेस मैन। गर्ल, आई एम मीन। आई गो टू वेट ऑन माई ग्रेट आंट एंड अ डियर क्रॉस ओल्ड सोल शी इज़ टू आंसर जो। जो ने क्या जवाब दिया? डोंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाती। आई एम अ बिजनेस मैन गर्ल, मैं एक तिजारत करने वाली लड़की हूँ। आई मीन, और मुझे इसमें बड़ा मज़ा आता है, मैं इसके मानी रखती हूँ। आई गो टू वेट ऑन माई ग्रेट आंट, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ। गो टू वेट, टू वेट ऑन, ये एक फ्रेज़ है। एक्ट एज एन अटेंडेंट टू, यानी कि वो अपनी आंट के साथ काम करती है। एंड अ डियर क्रॉस ओल्ड सोल शी इज़ टू आंसर जो, और वो क्या करती है? उसने कहा कि क्रॉस ओल्ड सोल, अब ये यहाँ पर इसे अगर आप समझेंगे तो उसका जो क्रॉस के मीनिंग होते हैं यहाँ बैड टेम्पर्ड, यानी बहुत जल्दी गुस्सा होने वाली है। लॉरी ओपन्ड हिज माउथ टू आस्क अनदर क्वेश्चन, लॉरी ने अपना मुँह खोला कि अगला सवाल करे। बट रिमेंबरिंग जस्ट इन टाइम डैट इट वॉजेंट मैनर्स टू मेक टू मेनी इंक्वायरीज इन टू पीपल्स अफेयर्स, ही शट इट अगेन एंड लुकड अनकम्फर्टेबल। लेकिन उसे याद आ गया कि दूसरों के मामलात में ज़्यादा दखल अंदाजी करना, दूसरों के इसमें इंक्वायरी करना अच्छी बात नहीं है, और वो थोड़ा सा बेआरामी महसूस करने लगा, अनकम्फर्टेबल हो गया। जो लाइड इज गुड ब्रीडिंग एंड डिडेंट माइंड हैविंग अ लाफ एट आंट मार्च, सो शी गेव हिम अ लिवली डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजेटी ओल्ड लेडी, हर फैट पूडल, द पैरट दैट टॉक्ड स्पैनिश एंड द लाइब्रेरी वेयर शी रेवेल्ड। लॉरी एंजॉयड दैट इमेंसली एंड व्हेन शी टोल्ड अबाउट द प्राइम ओल्ड जेंटलमैन हु केम वंस टू वू आंट मार्च एंड इन द मिडल ऑफ ए फाइन स्पीच How Paul had tweaked his wig off to his great dismay, the boy lay back and laughed till the tears ran down his cheeks and a maid peeped her head in to see what happened. अब ये एक ही सांस में तमाम चीज़ें जो ने बता दी। जो liked his good breeding, जो को बहुत पसंद आया था, यानी good breeding के माने है polite and socially correct behavior that someone has because they were taught it as a child, यानी बचपन में जो संस्कार दिए जाते हैं, अच्छे संस्कार, उसे गुड ब्रीडिंग कहते हैं। उसे जो को ये पसंद आया था, लेकिन उसने एंड डिडेंट माइंड हैविंग अ लाफ एट आंट मार्च, फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। और जो बिजनेस वूमेन जो आंट मार्च थी, उनके बारे में बताने लगी। सो शी गेव हिम लिवली डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजेटी ओल्ड लेडी, उन्होंने फिजेटी रेस्टलेस, यानी जो ओल्ड लेडी है वो बेइत्मीनानी से रहती है और वो बातचीत करती रहती है, उनके बारे में बताने लगी। हर फैट पूडल, द पैरट डैट टॉक्ड स्पैनिश, और उसके बाद में उन्होंने बयान किया कि जो उनके पास एक ऐसा तोता भी है जो क्या करता है, स्पैनिश लैंग्वेज बोलता है, स्पैनिश ज़बान बोलता है। एंड द लाइब्रेरी वेयर शी रेवेल्ड, और एक ऐसी लाइब्रेरी भी उनके पास है जिसमें उसे बड़ी खुशी होती है। रेवेल्ड यानी इन्जॉयड इन अ लिवली नॉइसी वे, जहाँ पर वो बहुत हंसी मजाक करते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, बातें करते हैं। लॉरी इन्जॉयड डैट इमेंसली एंड व्हेन शी टोल्ड अबाउट द प्राइम ओल्ड जेंटलमैन हु केम वंस टू वू आंट मार्च एंड इन द मिडल ऑफ ए फाइन स्पीच, अचानक बीच बीच में उसने क्या किया, जो ने एक प्राइम ओल्ड जेंटलमैन के बारे में बताना शुरू कर दिया, जो वहाँ पर आंट मार्च को रिझाने के लिए, उन्हें पटाने के लिए आता था ताकि किसी तरीके से वो
मान जाए एंड इन द मिडल ऑफ ए फाइन स्पीच, और इस पूरे बयान के बीच में हाउ पोल हैड ट्विग्ड हिज विग ऑफ टू हिज ग्रेट डिसमे, अचानक जो पोल है यानी कि तोता है वो उसने क्या किया, एक मर्तबा अचानक जो विग पहना हुआ था जेंटलमैन ने उसे वो उड़ा कर ले गया और वो बेइत्मीनानी महसूस करने लगा। द बॉय ले बैक एंड लाफ्ड टिल द टीयर्स रैन डाउन हिज चीक्स, तो लड़का लॉरी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और इतना हंसा कि उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। एंड अ मेड पॉप्ड हर हेड इन टू सी व्हाट वाज द मैटर, अचानक एक जो खातून थी एक घर में काम वाली थी उसने झांक कर देखा कि क्या मामला हो गया। ओ डैट डज मी नो एंड ऑफ गुड, टेल ऑन प्लीज ही सेड टेकिंग हिज फेस आउट ऑफ द सोफा कुशन रेड एंड शाइनिंग विथ मेरीमेंट। उसके बाद में लॉरी को बहुत पसंद आया ये कहानी, वो उसने कहा कि ओ डैट डज मी नो एंड ऑफ गुड, अब इसमें कोई ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, बोलते जाओ टेल ऑन प्लीज़, यानी आगे भी बोलो। टेकिंग हिज फेस आउट ऑफ द सोफ़ा कुशन, यानी पहले वो सोफ़ा कुशन में घुस गया था लेकिन वो अब उठ कर बैठ गया। रेड एंड शाइनिंग विथ मेरीमेंट, खुशी की वजह से उसका चेहरा दमक रहा था, चमक रहा था। मच इलेटेड विथ हर सक्सेस, जो डिड टेल ऑन ऑल अबाउट देयर प्लेज एंड प्लान, देयर होप्स एंड फियर्स फॉर फादर एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग इवेंट्स ऑफ द लिटिल वर्ल्ड इन विच द सिस्टर्स लिव्ड। अब जब ये कामयाबी मिल गई तो जो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी अपने प्लेस के बारे में, ड्रामे के बारे में, प्लान के बारे में, उम्मीदों के बारे में, बा वालिद से होने वाले, फादर से होने वाले डर के बारे में, सारे इंटरेस्टिंग इवेंट्स वो एक ही सांस में बोलती जा रही थी अपने बहनों के बारे में। देन दे गॉट टू टॉकिंग अबाउट बुक्स एंड टू जोज डिलाइट शी फाउंड डैट लॉरी लव्ड देम एज वेल एज शी डिड एंड हैड रीड इवन मोर देन हर सेल्फ। तो फिर जो को पता चल गया कि लॉरी जो है वो बहुत सारी किताबें पढ़ता है और किताबें पढ़ना उसे पसंद है जैसा कि जो को पसंद है, और उसने ज़्यादा किताबें पढ़ी है, यानी लॉरी ने जो से ज़्यादा किताबें पढ़ी है। इफ़ यू लाइक देम सो मच कम डाउन एंड सी आर्स ग्रैंडफादर इज़ आउट सो यू नीडंट बी अफ्रेड, सेड लॉरी गेटिंग अप। अगर तुम्हें किताबें इतनी ही पसंद है तो तुम आ जाओ नीचे, हम चलकर देखते हैं, दादा जान बाहर गए हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। लॉरी भी उठकर खड़ा हो गया। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, जो कहने लगी मुझे किसी से डर नहीं लगता। रिटर्न जो विथ अ टॉस ऑफ द हेड, और जो वापस आ गई अपना सिर हिलाते हुए। आई डोंट बिलीव यू आर, एक्सक्लेम द बॉय लुकिंग एट हर विथ मच एडमिरेशन, दो ही प्राइवेटली थॉट शी वुड हैव गुड रीजन्स टू बी अ ट्रिपल अफ्रेड ऑफ द ओल्ड जेंटलमैन इफ शी मेट हिम इन सम ऑफ हिज मूड्स। तो अचानक जो को यहाँ पर समझ में आ गया कि हो सकता है ट्रिपल यानी स्लाइटली थोड़ा सा इलेटेड, वेरी हैप्पी, थ्रिल्ड, ट्विग्ड, पुल्ड शार्पली। अब इसमें आई डोंट बिलीव यू आर, अब वह लड़के ने ताज्जुब से कहा कि मैं आप पे भरोसा कैसे करूं। विथ मच एडमिरेशन, और वो बहुत उसे पसंदीदगी की नज़र से देखने लगा। अब आई डोंट बिलीव यू आर, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इफ़ शी मेट हिम इन सम ऑफ हिज मूड्स, द एटमोसफियर ऑफ द होल हाउस बींग समर लाइक, लॉरी लेट द वे फ्राम रूम टू रूम लेटिंग जो स्टॉप टू एग्जामिन वट एवर स्ट्रक हर फैंसी। अब ऐसा हो गया था, ऐसा लग रहा था कि सर्दी के दिन नहीं बल्कि गर्मी के दिन है, भाग दौड़ हो रही थी और लॉरी एक रूम से दूसरे रूम, दूसरे रूम से पहले रूम, तीसरे रूम में घूम रहा था। जो को जहाँ पसंद आता कुछ वो रुक जाती और उसे देखने लगती। एंड सो एट लास्ट दे केम टू द लाइब्रेरी वेयर शी क्लैप्ड हर हैंड्स एंड प्रेज्ड एज शी ऑलवेज डिड व्हेन एस्पेशली डिलाइटेड। आखिरकार वो लाइब्रेरी में आ गए, प्रेज्ड यानी मूव्ड और डांस्ड इन अ लिवली एंड कॉन्फिडेंट वे, यानी यहाँ पर आकर जो को बहुत खुशी हुई और वो थोड़ा नाचने लगी, अपने हाथ ऊँचे बुलंद करके वो घूमने लगी और खुशी का उसने मुजाहरा किया। इट वॉज लाइंड विद बुक्स एंड देयर वेर पिक्चर्स एंड स्टैचूज एंड डिस्ट्रैक्टिंग लिटिल कैबिनेट्स फुल ऑफ कॉइंस एंड क्यूरियासिटीज एंड स्लीपी
hollow chairs and quaint tables and bronzes, and best of all, a great open fireplace with quaint tiles all round it. अब जब ये तमाम किताबें लाइन में लगी हुई उसने देखी, जिसके साथ पिक्चर्स यानी तस्वीरें, स्टैचूस यानी पुतले, मूर्तियाँ रखी हुई थी, डिस्ट्रैक्टिंग लिटिल कैबिनेट्स, छोटे छोटे कैबिनेट्स भी थे फुल ऑफ कॉइन जिसमें पुराने सिक्के थे, एंड क्यूरियोसिटीज. व्हाट डू यू मीन बाय क्यूरियोसिटी? अनयूजुअल एंड इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स. ये क्यूरियोसिटी ने तजस्सुस पैदा करने वाली चीज़ें. एंड स्लीपी हॉलो चेयर्स, लार्ज एंड डीप आर्म चेयर्स जो होते हैं उसे हॉलो चेयर्स कहते हैं. एंड क्वीट टेबल्स एंड ब्रॉन्जेस एंड बेस्ट ऑफ ऑल अ ग्रेट ओपन फायर प्लेस विथ क्वेंट टाइल्स ऑल अराउंड इट. और वहाँ पर एक फायर प्लेस भी था जहाँ पर आग जलाई जाती थी ताकि गर्मी सेकी जा सके. व्हाट रिचनेस साइट जो, यानी आह भर के जो ने कहा कि कितने दौलत है ये किताबें. सिंकिंग इन टू द डेप्थ ऑफ ए वेलवर चेयर एंड गेजिंग अबाउट हर विथ एन एयर ऑफ इंटेंस सेटिस्फैक्शन, थियोडोर लॉरेंस यू आउट टू बी द हैप्पीएस्ट बॉय इन द वर्ल्ड, शी एडेड इम्प्रेसिवली. यानी जो ने यहाँ पर कहा उसका पूरा नाम लेकर थियोडोर लॉरेंस लॉरी को कि तुम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत तरीन लड़के हो. अ फेलो कांट लिव ऑन बुक्स, लॉरी ने जवाब दिया, अ फेलो कांट लिव ऑन बुक्स, एक इंसान सिर्फ किताबों पर ही ज़िंदा नहीं रह सकता. ये देखिए ये बड़ी अजीब बात है यहाँ पर जो उसने बयान की है, बहुत ही अजीब बात बयान की है. यानी लॉरी क्या कह रहा है, ये लाइब्रेरी तो बहुत खुशी है, बहुत अच्छी है, लेकिन ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ रीडिंग. ही सेड ही नीडेड फ्रेंड्स लव एंड सिक्योरिटी ऑफ अ हैप्पी फैमिली. उसे एक हैप्पी फैमिली चाहिए थी, सिर्फ किताबें ही नहीं. शेकिंग हिज हेड एज ही पर्च्ड ऑन अ टेबल अपोजिट, और उसने अपना हाथ हिलाया और एक टेबल पर वो बैठ गया. बिफोर ही कुड से मोर अट बेल रैंग एंड जो फ्लू अप एक्सक्लेमिंग विद अलार्म, मर्सी मीट्स यूर ग्रैंड पा. यानी उसने ताजुब से कहा कि मुझ पर रहम करो, शायद तुम्हारे ग्रैंड पा आ गए हैं. वेल वॉट इफ इट इज़, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनी थिंग यू नो, रिटर्न द बॉय लुकिंग विकेड. यानी यहाँ पर लड़के ने कहा, विकेट प्लेफुली मिसचीवियस, यानी यहाँ पर लड़के ने कहा कि तुम तो किसी से डरती नहीं थी, फिर अभी ये डरने का क्यों कर बहाना कर रही हो. आई थिंक आई एम अ लिटल बिट अफ्रेड ऑफ हिम बट आई डोंट नो व्हाई शुड बी. मार मी सेड आई माइट कम एंड आई डोंट थिंक यू आर एनी द वर्स फॉर इट, सेड जो कंपोजिंग हरसेल्फ दो शी केप्ट हर आइज ऑन द डोर. उसके बाद में वो अपनी पूरी आंखें उसने गड़ा दी थी दरवाजे की तरफ और वो सोच रही थी कुछ और कह रही थी कुछ. उसे लग रहा था कि शायद वो नहीं डरेगी, लेकिन वो अपनी डर को छुपा नहीं पा रही थी. आई एम अ ग्रेट डील बेटर फॉर इट एंड एवर सो मच ऑब्लिग्ड. आई एम ओनली अफ्रेड यू आर वेरी टायर्ड ऑफ टॉकिंग टू मी. इट वॉज सो प्लीजेंट आई कूडेंट बियर टू स्टॉप, सेड लॉरी ग्रेटफुली. यानी लॉरी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो कहने लगा कि ये बहुत अच्छी बात है, मैं भी तुमसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने तुमसे बहुत सारी बातें की, शायद तुम्हारा दिल दुख रहा हो, लेकिन मुझे तुमसे बात करके बड़ी खुशी हुई और इत्मीनान भी हुआ. आई कुडंट बियर टू स्टॉप, सेड लॉरी ग्रेटफुली. और मैं तुम्हें जाने से रोकने से भी रुक नहीं सकता. अब देखिए अजीब बात है, यानी वो जा रही है जो उसे रोक रहा है, लेकिन रोकने की वो जसारत कर रहा है, इस तरीके से बयान करता है. द डॉक्टर टू सी यू सर एंड द मेड बिकॉन्ड एज शी स्पोक. यानी जो मेड थी, मुलाजिमा थी, घर की नौकरानी थी, उसने आवाज़ दिया कि डॉक्टर आपसे मिलने आए हैं. वुड यू माइंड इफ़ आई लेफ्ट यू फॉर अ मिनट, आई सपोज आई मस्ट सी हिम, सेड लॉरी. यानी लॉरी यानी थियोडोर लॉरेंस ने कहा कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा कि मैं थोड़ी देर के लिए, एक मिनट के लिए यहाँ से जाऊँ. आई सपोज आई मस्ट सी हिम, मुझे लगता है कि मैं उन्हें ज़रूर जाकर डॉक्टर से मिलूँ. डोंट माइंड मी, आई एम हैप्पी एज अ क्रिकेट हियर, आंसर्ड जो. जो ने कहा कि मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती, मैं तो यहाँ पर एक कीटक के जैसा, एक कीड़े करकट के जैसा यहाँ पर बैठ सकती हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता.
Laurie went away and his guest amused herself in her own way. लॉरी वहाँ से चला गया एंड हिज गेस्ट अम्यूज्ड हरसेल्फ इन हर ओन वे. शी वॉज स्टैंडिंग बिफोर अ फाइन पोर्ट्रेट ऑफ द ओल्ड जेंटलमैन व्हेन द डोर ओपन्ड अगेन एंड विदाउट टर्निंग शी सेड डिसाइडेडली आई एम श्योर नाउ डैट आई शुडंट बी अफ्रेड ऑफ हिम फॉर ही इज गुड गॉट काइंड आइज दो हिज माउथ इज ग्रिम एंड ही लुक्स एज इफ ही हैड अ ट्रेमेंडस विल ऑफ हिज ओन. अब यहाँ पर लॉरी के जाने के बाद वो जो पोर्ट्रेट के सामने खड़ी हो गई ओल्ड जेंटलमैन के, फिर उसने आवाज़ सुनी दरवाजे के खोलने की, लेकिन पलटे बगैर उसने कहा कि मुझे यकीन है कि अब मैं उनसे नहीं डरती हूँ, उनकी आँखों में रहम दिली है, उनका मुंह थोड़ा सा अलग है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप पर एतमाद हो गया है. ही इज़न्ट एज़ हैंडसम एज़ माई ग्रैंड फादर बट आई लाइक हिम. वो मेरे ग्रैंडफादर के इतने खूबसूरत नहीं हैं, फिर भी मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को पसंद करती हूँ, वो अच्छे लगते हैं. थैंक यू मैम, सेड अ ग्रफ वॉइस बिहाइंड हर एंड देयर टू हर ग्रेट डिसमे स्टूड ओल्ड मिस्टर लॉरेंस. वहाँ पर बोलने वाला जो शख्स था वो लॉरी नहीं था, ओल्ड मिस्टर लॉरेंस यानी उसका लॉरी का ग्रैंडपा था जिसने थैंक यू अदा किया, और जो को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो डिसमे यानी अ फीलिंग ऑफ शॉक एंड फियर, जैसे कि वो खौफ में भर गई हो. पुअर जो ब्लश टिल शी कुडंट ब्लश एनी रेडर. जो गरीब जो थी वो थोड़ा सा कस मसा गई और परेशान हो गई. एंड हर हार्ट बिगैन टू बीट अनकम्फर्टेबली फास्ट एज शी थॉट व्हाट शी हैड सैड. और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा. For a minute a wild desire to run away possessed her, but that was cowardly and the girls would laugh at her, so she resolved to stay and get out of the scrap as she could. Scrap, difficult or embarrassing situation. अब ये जो मुश्किल हालात थे इससे बचने के लिए उसने पहले तो उसे शदीद ख्वाहिश हुई कि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन उसकी जो कावर्ड आइस है यानी उसकी बुजदली पर उसकी बहनें हंसती, लेकिन उसने वहाँ पर रुकने का और उस हालात का मुकाबला करने का फ़ैसला किया. अ सेकंड लुक शोड हर डैड द लिविंग आइस अंडर द बुशी आईब्रोज वेर काइंडर एवर देन द पेंटेड वंस एंड देर वॉज अ स्ली रिंग ट्विंकल इन देम विच लेसेंड हर फियर अ गुड डील. द ग्रफ वॉइस वॉज ग्रफर देन एवर as the old gentleman said abruptly after the dreadful pause, so you are not afraid of me, hey. यानी यहाँ पर जो बूढ़ा शख्स था उसकी जो गहरी भवें थी उसके नीचे से जो आँखें झांक रही थी आईब्रोज के नीचे से, उसमें रहम दिली थी और थोड़ी सी एक आवाज़ में लर्जिश भी थी जो बूढ़े आदमी को देखकर उसे महसूस हुआ था. उसने दोबारा पूछा यानी लॉरी के ग्रैंडपा ने, यानी कि तुम मुझसे नहीं डरती. नॉट मच सर, जो ने जवाब दिया, ज़्यादा नहीं जनाब. एंड यू डोंट थिंक मी एज हैंडसम एज योर ग्रैंडफा, नॉट क्वाइट सर. यानी फिर बूढ़े ने फिर से सवाल किया कि मुझे ऐसा लग, क्या तुम नहीं लग, तुम्हें ऐसा नहीं महसूस होता कि मैं इतना खूबसूरत खूबरू नहीं हूँ जितने के तुम्हारे दादा थे. नॉट क्वाइट सर, दोबारा जवाब दिया उसने. And I have got a tremendous will, I have, और मेरे पास एक शदीद ख्वाहिश है, क्या मेरे पास है. I only said I thought so, यानी जो ने जवाब दिया कि मैंने ऐसा सोचा था कि मुझे ऐसा लगता है. But you like me in spite of it? Yes, I do, sir, यानी बूढ़े ने पूछा, इसके बावजूद तुम मुझे पसंद करती हो. उसने कहा Yes, I do, sir. That answer pleased the old gentleman. He gave a short laugh, shook hands with her and putting his finger under her chin, turned up her face, examined it gravely and let it go, saying with a nod, you have got your grandfather's spirit if you haven't his face. यहाँ पर जो बूढ़ा शख्स था उसे इत्मीनान हो गया, वो थोड़ा हंसा, उसके बाद उसने अपना सर हिलाया, जो उसे हाथ मिलाया, shook hands with her and putting his finger under her chin, और अपनी जो उंगली है उसकी ठुड़ी पर लगाया, चिन यानी ठुड़ी, टर्न्ड अप हर फेस और उसका चेहरा ऊपर किया, एग्जामिन इट ग्रेवली और उसे गौर से देखा,
एंड लेट इट गो, उसे जाने दिया। फिर कहने लगा सेइंग विद अ नॉड, यू हैव गॉट योर ग्रैंडफादर्स स्पिरिट, तुम्हारे दादा जान की रूह अभी को तुमने पा लिया। इफ़ यू हैवंट हिज फेस, ही वॉज अ फाइन मैन माई डियर, बट वॉट इज बेटर, ही वॉज अ ब्रेव एंड आई एन ऑनेस्ट वन एंड आई वॉज प्राउड टू बी हिज फ्रेंड। और उसने कहा कि तुम्हारे दादा जान मेरे दोस्त थे और वो बहुत अच्छे आदमी थे, आज तुमने अपने दादा जान की रूह को पा लिया। थैंक यू सर, एंड जो वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल आफ्टर डैट फॉर इट सूटेड हर एग्जैक्टली। जो ने उसके बाद शुक्रिया अदा किया और वो इत्मीनान महसूस करने लगी और ऐसा लग रहा था कि शायद ये हालात उसे सूट करते हो। वाट हैव यू बीन डूइंग टू दिस बॉय ऑफ माइन हे, वॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन शार्पली पुट। यानी बूढ़े ने अचानक दूसरा सवाल कर दिया, तुम मेरे पोते के साथ, बच्चे के साथ क्या कर रही हो और क्या करने जा रही हो? ओनली ट्राइंग टू बी नेबरली सर। यानी उसने क्या जवाब दिया कि मैं सिर्फ अपनी जो पड़ोसी होने का हक़ है वो अदा कर रही हूँ। ओनली ट्राइंग टू बी नेबरली सर। एंड जो टोल्ड हर विजिट केम अबाउट, और जो ने कहा कि वो किस तरीके से वहाँ पर आई है मिलने के लिए, वहाँ पर आई है, मौजूद हुई है। यू थिंक ही नीड्स चीयरिंग अप अ बिट डू यू, तो बूढ़े ने सवाल किया कि तुम्हें ऐसा लगता है कि उसे थोड़ा तुम्हारे साथ हंसी मजाक करना चाहिए? गो ऑन बीइंग नेबरली के माने है टू कंटिन्यू टू विजिट देम एंड बी देयर फ्रेंड, और अफेयर के माने होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्शन। अब यहाँ पर बूढ़े ने अचानक एक सवाल कर लिया, यस सर ही सीम्स अ लिटल लोनली एंड यंग फोक्स वुड डू हिम गुड पर हैप्स, वी आर ओनली गर्ल्स बट वी शुड बी ग्लैड टू हेल्प इफ वी कुड, फॉर वी डोंट फॉरगेट द स्प्लेंडेड क्रिसमस प्रेजेंट यू सेंट अस, सेड जो ईगरली। यानी यहाँ पर उसने कहा कि जो लड़के हैं वो उसके साथ मिलकर बहुत खुश होता और उनके साथ खेलता, लेकिन हम तो लड़कियाँ हैं और हम उसकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकते, बट फॉर वी डोंट फॉरगेट द स्प्लेंडेड क्रिसमस प्रेजेंट, लेकिन हम नहीं भूले जो आपने क्रिसमस का तोहफा भेजा था। टट 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 दैट वॉज द बॉयज अफेयर, हाउ इज़ द पुअर वूमन। अब उसने कहा कि वो तो लड़के की जिम्मेदारी थी और उसने ही कहा था और उसने ही भेजा था, वो बूढ़ी औरत कैसी है? Doing nicely, sir. And off went Jo, talking very fast as she told all about the Hummels in whom her mother had interested richer friends than they were. Hummels, a poor family whom the March family helped. यानी कि जो March family है वो अक्सर help करती है, तो उनसे ही वो यहाँ पर वो कहने लगी कि Hummels in whom her mother had interested richer friends than they were. यानी उनकी मदर को जो अमीर दोस्त थे वो मदद किया करते थे, उसी किस्म की वो बात कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है। जस्ट आवर फादर्स वे आर डूइंग गुड, आई शैल कम एंड सी योर मदर सम फाइन डे, टेल हर सो दैर इज़ द टी बेल, वी हैव इट अर्ली ऑन द बॉयज अकाउंट, कम डाउन एंड गो ऑन बीइंग नेबरली। उसके बाद बूढ़े ने कहा कि तुम्हारी माँ से कहना कि मैं किसी दिन आऊँगा, अभी टी बेल बज गई थी यानी चाय का वक्त हो गया था, वी हैव इट अर्ली ऑन द बॉयज़ अकाउंट, और ये थोड़ा जल्दी हो गया है, लड़के को शायद जल्दी चाय पीना है, कम डाउन एंड गो ऑन बीइंग नेबरली, आओ और हमारे साथ, गो ऑन बीइंग नेबरली टू कंटिन्यू टू विजिट देम एंड बी देयर फ्रेंड, यानी पड़ोसी का हक अदा करो और आप आते रहो हमारे घर में। इफ़ यू डोंट लाइक टू हैव मी सर, क्या आपको मेरा आना पसंद नहीं है जनाब? Shouldn't ask you if I didn't, and Mr. Lawrence offered her his arm with old-fashioned courtesy. Shouldn't ask you, मैं तुमसे, मुझे पूछना चाहिए नहीं चाहिए था क्या? If I didn't, अगर मैंने नहीं पूछा, and Mr. Lawrence offered him her his arm with old-fashioned courtesy. Mr. Lawrence ने अपने हाथ दिया ताकि वो उसके साथ इज्जत का मामला, इज्जत के तरीके से पेश आ सके। What would Meg say to this? Thought Jo as she was marched away, while her eyes danced with fun as she imagined herself telling the story at home. यानी अब मैग क्या सोचेगी, क्या कहेगी, ऐसा जो सोचने लगी जब वो वहाँ से जाएगी, उसकी आँखें नाचने लगी, वो खुशी के मारे झूमने लगी और वो अपनी कहानी बुनने लगी
जब वो घर जाकर ये तमाम ये पूरी कहानी जाकर घर में सुनाएगी। इसे लिखा है लुइजा मे एल्कॉट ने। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।